तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कार्ल सैंडबर्ग की फॉग, एक जो छोटी और प्यारी अमेरिकन हाइकू कविता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम लोग पोएम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर कार्ल सैंडबर्ग द्वारा लिखित गई फॉग एक छोटी और प्यारी अमेरिकन हाइकू कविता है जो प्रकृति के प्रति है की प्रशंसा को प्रदर्शित करता है। कविता में जो स्पीकर हैं उस धुंध का वर्णन करते हैं जो शहर के ऊपर लटकी हुई है। लटकी हुई मतलब शहर के ऊपर जो है, ठीक है, जैसे कि यह एक बिल्ली जैसा प्राणी है जो गुजर रहा है, ठीक है, शहर के ऊपर से गुजर रहा है। यह चरित्र को अन्यथा सांसारिक प्राकृतिक घटना में जोड़ता है। इसे कोहरा भी पाठकों को अधिक प्रिय लगता है जो उन्हें उन स्वभाव से संबंधित होने में मदद करता है जो स्पीकर प्राकृतिक दुनिया की प्रति महसूस करते हैं। कविता का उद्देश्य प्रकृति की सुंदरता को एक चतुर और मनोरंजक तरीके से उजागर करना है। तो कोहरे के आगमन की घोषणा के साथ कविता शुरू होती है। वह कहते हैं कि कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है, छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है जो तुरंत इसे एक आकर्षक तरीके से चित्रित करता है। यहाँ पर स्पीकर ये कहना चाहते हैं कि कोहरा शहर के ऊपर बैठा है, चुपचाप देख रहा है, जैसे कि अचानक कोई कोहरा आगे बढ़ता है, जैसे कि कोई एक बिल्ली बैठ करके देखती है। तो दोस्तों, धुंध प्रकृति की छोटी छोटी घटनाओं को महत्व देने वाली कविता है। यहाँ पर स्पीकर इस कविता का उपयोग प्राकृतिक दुनिया की सुंदरता को उजागर करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अस्टिंजा को। तो फर्स्ट अस्टिंजा का यहाँ पर मतलब होता है कि कोहरा आता है छोटी बिल्ली के पैरों पर। तो यहाँ पर जो ये जो लाइन का है, इसका मतलब होता है कि इस कविता में जो स्पीकर हैं वो शुरू करते हैं कि जिसमें कहा गया है कि कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है और बिल्लियाँ अक्सर प्रफुल्लित, शांत और सुंदर आंदोलन से जुड़ी होती है। कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करके ये कंपेयर करते हैं कि कैसे कोहरा धीरे धीरे जो है वो शहरों के ऊपर से गुजरती है, जैसे कि बिल्ली जो है अपने पाँव से धीरे धीरे आती है। तो कोहरे की तुलना एक बिल्ली से करते हैं। यहाँ पर स्पीकर इन विशेषताओं को कोहरे के रूप में भी बताते हैं। अब स्पीकर विशेष रूप से बताते हैं कि कोहरे में छोटी बिल्ली के पैर होते हैं जो फुर्तीले तरीके की छवि को उद्घाटित करते हैं जिसमें बिल्लियाँ चलती है। तो दोस्तों, लाइन 3 और 4 का मतलब देखें तो यह देखने बैठता है। तो इसमें जो है स्पीकर बताते हैं, वर्णन करते हैं कि कैसे कोहरा स्वर को देखता हुआ बैठता है, कि यह एक बार फिर कोहरे की एक जीवित इकाई के रूप में लक्षण यानी वर्णन जोड़ता है करता है। तो जब किसी स्थान पर कोहरा बनता है तो यह अक्सर कुछ घंटों के लिए भूदृश्य पर बना रहता है। भूदृश्य मतलब कुछ धुंधला दिखता है, ठीक है। कथावाचक यहाँ पर जो स्पीकर हैं वो ये बताते हैं कि यह प्राकृतिक घटना लगभग जानबूझकर प्रतीत होती है, जैसे कि कोहरा वास्तव में उस शहर के ऊपर से गुजर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीकर ये भी कहते हैं कि जैसे जिस तरह से बिल्ली जो है वो खाली पैर नंगे पैरों से धीरे धीरे चली आती है, उसी तरह से जो कोहरा जो है वो भी शहर के ऊपर धीरे धीरे एकदम आती है। तो दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट लाइन 5 और 6 लाइन की बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि कवि लेखक जो हैं एक बार फिर कोहरे को एक प्रजीवित प्राणी के रूप में चित्रित करते हैं। यहाँ पर हंचेस एक जानवर का पिछला पैर क्षेत्र है, क्योंकि स्पीकर ने पहले कहा था कि कोहरा छोटी बिल्ली के पैरों पर आता है। हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ हंच विशेष रूप से एक बिल्ली को संदर्भित करता है, ठीक है। तो यह है एक बार फिर कोहरे को एक बिल्ली के समान इकाई के रूप में दर्शाते हैं। तो मौन शब्द यहाँ पर आगे इस बात पर जोर देता है कि यह शांत, प्रफुल्लित और शांतिपूर्ण होता है। तो गुजरते हुए कोहरे की तरह बिल्लियाँ आमतौर पर एक स्थान से होकर एक प्रफुल्लित, शांत और तरीके से गुजरती है, ठीक है। तो यह प्रदर्शित करती है कि लेखक प्राकृतिक दुनिया पर पूरा ध्यान देता है, क्योंकि इस समानता पर ध्यान दिया है कि यह कविता वह जो देखता है उसे व्यक्त करने का उनका प्रयास है, ताकि पाठक जो हैं, पढ़ने वाले जो हैं, वो गुजरते हुए कोहरे की भी सराहना कर सके। तो दोस्तों, अगर बात करें थीम की, तो इसका मेन थीम है कि इस कविता में जो ऑथर हैं
प्रकृति की प्रशंसा की अभिव्यक्ति करते हैं, प्रकृति की प्रशंसा करते हैं, ठीक है। विशेष रूप से छोटी प्राकृतिक घटनाएं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, किसी और के लिए एक गुजरता हुआ कोहरा एक सामान्य रोज़मर्रा की घटना की तरह लग सकता है। हालांकि लेखक यहाँ पर जो है वो इस कविता को महत्व दिया है कि ऐसा करने में लेखक प्राकृतिक घटनाओं की कृपा की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो अन्यथा किसी का ध्यान नहीं जा सकता। तो कोहरे की तुलना एक जानवर से करके स्पीकर कोहरे की रीडर को आँखों में जीवंत बना देना चाहते हैं। तो ऑथर जो है यहाँ पर इस कविता के शब्दों का उपयोग करके यह व्यक्त करने की कोशिश की हैं कि कोहरा उसे कैसे महसूस करता है, कराता है। पाठक यहाँ पर जो है तब उन शब्दों में लेता है और उसी तरह इस प्राकृतिक घटना की सराहना में सक्षम होता है। अर्थात कहे तो ये जो कवि हैं, ठीक है, कार्ल सैंडबर्ग, तो ये बताते हैं कि अभी जो फिलहाल में जो घटनाएं होती हैं, ठीक है, जो धुंध जैसे आता है, पानी गिरता है, तो लोग जो है हमेशा कोसते रहते हैं। पानी गिरता है तो कोसते हैं, गर्मी होती है तो कोसते हैं, ठंडी होती है तो कोसते हैं, धुंध गिरता है तो कोसते हैं। तो ये सभी छोटी छोटी बातों से कवि प्रकृति की तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए कहते हैं और उनसे वो अवगत कराते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा।